Assalamualaikum guys, this is Ash Imran Sajan here from Genius Records and today we are here on Genius with Ash ke set. Par. जैसे कि आज मैं आप पहले भी बहुत सारे आर्टिस्टों को देख चुके हैं, एक से एक हीरा हम आपके लिए लेकर आए थे. बहुत अच्छा गाते भी थे, कोई बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे, कोई बहुत अच्छे राइटर थे, बहुत अच्छे एक्टर थे. इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज के लोग जो होते हैं, जो पाकिस्तान का टैलेंट है, उसको हम इस प्रोग्राम में लेकर आते रहते हैं और आपके सामने उनको पेश करते हैं, ताकि जो हमारे इस मुल्क की मिट्टी इतनी जरखेज़ है, जिसमें से ये जो आर्टिस्ट हैं वो हर तरह की शोबे में, हर तरह की कैटेगरी में निकलते हैं, तो उनको आप जान सकें, उनका हौसला बढ़ सके और फिर इस तरह के स्टार्स मजीद हमारे मुल्क में, हमारी इस इंडस्ट्री में पैदा होते रहें. आज उसी सिलसिले की एक कड़ी में हम इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही प्यारी सी, मीठी सी, स्वीट सी, मध्यम सी, कोमल सी आवाज़ की मालिक हमारे साथ मौजूद हैं कौसर इरफान. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ. माशाल्लाह, आपके साथ अभी हमने पिछले दिनों कौसर के साथ एक टीवी शो रिकॉर्ड किया था, बहुत खूबसूरत रहा, बहुत अच्छा गाया और एक बड़े, एक नए यूनिक कलर से, एक बड़ी नई अदा से आपने उन गानों को गाया, तो बहुत पसंद किया कौसर आपको, पता है लोगों ने उस प्रोग्राम को? really? Yes. वो ऑनियर हुआ, उसको काफ़ी लोगों ने पसंद किया, फिर हमारे पास उसकी फरमाइश आई कि जी इनका हमने एक्सक्लूसिव एक कोई प्रोग्राम देखना है, शो देखना है, तो हमने कहा कि आगे रमज़ान भी आ रहे हैं, टीवी शोज तो फिर ईद के बाद होंगे, तो क्यों ना हम एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जीनियस विद ऐश के इस प्लेटफॉर्म पर कौसर इरफान का रिकॉर्ड करते हैं. तो इसलिए हमने आपको, इनको आज इस सेट पे आपके लिए बुलाया और इनका पूरा इंटरव्यू भी रिकॉर्ड करेंगे, इनके बारे में जानेंगे, इनके गाने भी सुनेंगे और इनके फ्यूचर प्लान्स क्या है उसके बारे में भी जानेंगे, जो आपको आज से पहले शायद नहीं पता था और जिनको पता थे वो रिकॉल हो जाएंगे. जो जानने वाले दोस्त हैं वो तो सारी चीज़ें मालूम रखते हैं, उनके लिए ये एक रिकॉल होगा और जिनको नहीं पता था वो पता चल जाएगा. आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वैसे तो वीडियो आप हमारा देख रहे हैं, अगर आप किसी ऐसे स्टेशन से देख रहे हैं कि आपको पता नहीं है उस बारे में, जैसे व्हाट्सएप पे आपको वीडियो मिली है, तो ऐश इमरान साजन से आप यूट्यूब पे सर्च कराएंगे तो जीनियस रैकर्स आ जाएगा, इसी तरह फेसबुक पे सर्च कराएंगे तो आपको मिल जाएगा. कौसर इरफान हमारे साथ मौजूद है. हम चलते हैं कौसर इरफान, कैसी हैं और आजकल क्या हो रहा है? आजकल गाने पे ही सारा, गाने पे फोकस चल रहा है, प्रैक्टिस चल रही है. अच्छा, तो कौसर गाने की आपका जो मैंने आवाज़ सुनी है अभी, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी सुनेंगे कि बड़ी एक स्वीट सी मेलोडी और बड़ी आप कंट्रोल करके गाती हैं वॉइस, क्योंकि जो नॉर्मल सिंगर्स में नहीं होता, सारे सिंगर्स में एक बड़ी, ज़्यादातर सिंगर्स में हैजान खेजी होती है कि बड़ा फास्ट गाना गाएं और निकाल दें, लेकिन आपकी डिलीवरी, आपका स्टाइल बड़ा सूदिंग होता है, तो किस तरह सिलेक्शन बनाती हैं अपने गानों के? इसके लिए वक्त लगता है, ये नहीं कि आपने कल सीखा और आज आप इस तरह गाने लग गए. शुरू में होता है थोड़ा सा, आप बहुत जल्दी जल्दी गाते हैं, आपको समझ नहीं होती है, जैसे जैसे वक्त गुजरता है आपको एहसास होता है कि आप में तहमल आ जाता है, आप में पेशेंस आ जाता है, आपके अंदर कमांड आ जाता है, तो फिर आप उसको बड़े अच्छे, उसको हर एक्सप्रेशन कंट्रोल के साथ, तो चले बाकी. और किस तरह म्यूजिक शुरू किया और कहाँ से सफर आगाज किया, कहाँ तक पहुँच गया, इसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं गाने की तरफ के, कि कौन सा गाना आप हमें सुना रही हैं? पहले हम सुना रहे हैं जब कोई प्यार से बुलाया, जब कोई प्यार से बुलाया गया, एवरग्रीन गाना, सुपर हिट सॉन्ग, मेहंदी हसन खान साहब ने गाया, मेरा पर्सनली फेवरेट सॉन्ग है और सबसे पहले जब मैंने कोई गाना गाया जिंदगी में तो वो ये गाना था और इसकी शायरी बहुत खूबसूरत है. आई थिंक मोहम्मद अली साहब पे पिक्चराइज हुआ है ना? मोहम्मद अली साहब पिक्चर. माइक पकड़िएगा आपका, हम शुरू करते हैं. जी जी बिल्कुल, चलेंगे. आपसे आशना हो गए अपने महबूब
ने गाया कौसर इरफान. अच्छा, इस गाने की शायरी भी बड़ी सिंपल सी है और इसकी ट्यून भी इतनी प्यारी बनी है. मैं जैसे जैसे गाना गा रही हूँ, मैं ये समझ रही हूँ कि जो गाने हिट हुए हैं उनका मकसद क्या, वजह थी वो क्यों हिट हुए और अब क्यों कम हिट होते हैं. इसकी वजह यही है कि एक तो शायरी, दूसरी कॉम्पोजिशन. अगर आप पाकिस्तानी गानों की कॉम्पोजिशन को देखें, हर कॉम्पोजिशन एक दूसरी कॉम्पोजिशन से अलग है और बड़ी ही डिफिकल्ट है और बड़ी ही यूनिक है. जो प्यारे बहुत ही अच्छे हमारे म्यूजिक डायरेक्टर बना गए हैं वो हमारे लिए एक इंस्टीट्यूट है जिससे हम सीख रहे हैं. मैडम नूर जहाँ के गाने, मेहदी हसन के गाने, वो हमें बहुत कुछ सिखा रहे हैं. सो ये है कि ये इतना, ये तो इतना गाना मुश्किल नहीं था, मगर कुछ गाने बड़े डिफिकल्ट होते हैं, टाइम लेते हैं. अच्छा कौसर इरफान, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये भी चीज़ होती है कि जब शायरी करते थे पहले लोग या ट्यून बनाते थे, उसको प्रॉपर टाइम देते थे, बहुत टाइम देते थे. वो दो दो तीन तीन महीने और तीनों चारों सर जोड़ के बैठे हुए होते थे और जब तक उनको नहीं लगता कि अच्छा है वो नहीं करते थे. कोई भी ग्लास पछताता उसको भी कहते नहीं यार ये देखें ये देखें चेंज करें. और जो जिस चीज पे पिक्चराइज हो रहा था उसको मध्य नजर रखते हुए वो वर्डिंग्स उस पे, वो सिचुएशन भी और वो एक्टर, तो वो इसलिए अभी भी दिल को लगते हैं और लगता है कि यू नो जितना. फिर वो सिंगर उतनी रिहर्सल करते थे, म्यूजिशियन पूरा बैच रिहर्सल करता था हफ्तों जाके, फिर वो टेक होता था. तो जिसको जितना टाइम देते थे वो आज भी अमर हैं गाने. आगे भी चलेंगे और फिर कौसर इरफान से और भी जानेंगे उनके स्टार्ट के बारे में और दूसरे गाने भी सुनेंगे. सब वक्त एक ब्रेक का, वापस आते हैं, आप रहेंगे हमारे साथ. जी,